तो अभी हम बात करेंगे लैंग्वेज का, ठीक है? कुछ कुछ आप लोग दो लोग हैं यहाँ पे, साधारण तौर पर सुनता है। हाँ ठीक है, तो लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या होता है? भाषा है ना। तो भाषा का क्या काम है क्या भाषा? हाँ भाषा क्या होता है? समझने के लिए, है ना? यानी मीनिंग, मीनिंग क्या होता है? अर्थ, माने, है ना? तो एक किसी चीज का आप मीनिंग एक दूसरे को समझा रहे हैं। मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना? हालांकि लैंग्वेज सेम नहीं है, और हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है शायद, लेकिन एक दूसरे को हम बोल के समझ रहे हैं ना। तो क्या है लैंग्वेज? बेसिकली एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे को समझने का तरीका, है ना? मीनिंग पास होता है। मीनिंग कैसे पास होता है? लैंग्वेज किस किस तरह का होता है? जैसे अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, ये क्या लैंग्वेज में बोल रहा हूं? हिंदी में, इंग्लिश में भी बोल सकता है, वैसी लिख भी सकता है ना, है ना? और इस तरह के क्या लैंग्वेजेस हो सकते हैं? जैसे जानवर लोग भी एक तरह का अपना लैंग्वेज यूज करता है, वो हमको नहीं समझ में आता है ना? जैसे अभी तुम लोग के सामने आके कोई फ्रेंच में बात करने लग जाएगा, हाँ फ्रेंच में बात करेगा, या फिर कोई एक डॉग आके कुत्ता आके भौं भौं कर रहा है, दोनों का बात नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन शायद दोनों कुछ लैंग्वेज यूज कर रहा है, यानी उनकी तरफ से वो कुछ मीनिंग आपको बताना चाहते हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे। क्या नहीं समझ पा रहे? जैसे वर्ड इंग्लिश में क्या ए बी सी, है ना? इससे आप मिला के बहुत सारा वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे बैट बना दिया, ठीक है, बी ए टी है बैट, बी ए टी, या फिर जो इसका साउंड आता है बैट, ठीक है? अब जिसको इंग्लिश आता है, इसमें आपको पता है, तो जब आप बी ए टी पढ़ते हैं तो क्या दिमाग में आता है? बैट। क्या है बैट? खेलने का चीज है ना। उसका कुछ उसमें कुछ स्टिकर तो नहीं लगा है, या फिर कुछ स्टैम्प नहीं लगा है जिसमें लिखा है वो बी ए टी है। हिंदी में उसको क्या बल्ला बोल सकता है? उड़िया में क्या बोलता है? खेलना बाड़ी, ठीक है? तो इतना सारा नाम है, खेलना बाड़ी है ना, तीन नाम है, सेम एक चीज क्या है? बैट। और बैट का ये भी बैट नहीं, ये भी क्या है? फोटो है बैट का, है ना? चित्र बना है। असल बैट क्या है? जो यहाँ पर किसे खेलता है ना? तो लैंग्वेज का यही काम है। चाहे अगर यहाँ बैट नहीं भी है मेरे पास, लेकिन मैं बी ए टी लिख के, या फिर ये ड्राइंग बना के, या फिर बस बैट बोलूंगा, तो आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? वैसे ये क्या है? सन। सन है क्या ये? सन नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाते हैं। मुझे एस यू एन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सूरज लिखने का कुछ बोला नहीं मैंने, बस इतना बता दिया और आप लोग समझ गया, समझ है ना? तो ये क्या है बेसिकली? ये जो साउंड कर रहे हैं, ये साइंस है, साइन, चिन्ह, चिन्ह है ना, हाँ साइन, कुछ भी। वैसी लैंग्वेज एक जो लोग बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो लोग कैसे बात करते हैं एक दूसरे से? हाथ से, एक्शन से ना। जैसे उनका गुड नाइट पता क्या होता है? ये यानी कि बल्ब हो गया, बंद हो गया, गुड नाइट। वैसी मॉर्निंग यानी कि ऐसे करता है कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू, तो है ना? जैसे हम लोग लिख के या फिर बोल के करते हैं, वो लोग उस तरह से भाषा सेम क्या हो रहा है? बात हो क्या रहा है इन सबसे? मीनिंग एक्सचेंज हो रहा है। अगर आपको साइन लैंग्वेज आता है, मैं ऐसे करता हूँ, तो आप लोग समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हर जगह बेसिकली लैंग्वेज में क्या होता है? साइन और उसका मीनिंग हो गया सिग्निफाइड। सिग्निफाइड छोड़ दो, बस मीनिंग। तो साइन क्या हुआ? यानी चिन्ह, चिन्ह कुछ भी हो सकता है, हाँ संकेत कुछ भी हो सकता है, ए बी सी अ आ जो भी, ए बी सी ये सब हो सकता है, बस साउंड हो सकता है बिना लिखे, है ना? या फिर और क्या एग्जांपल, जैसे बर्फ, ये सब हॉर्न, गाड़ी चला रहा क्या हॉर्न देता है, इसका क्या मतलब होता है? साइड तो हट जाओ, है ना? वो बोल नहीं रहा, लेकिन आप लोग
ट्रैफिक लाइट होता है, बरमपुर में देखा कभी ट्रैफिक लाइट है ना, रेड येलो ग्रीन, क्या मतलब है उसका? तो ये भी एक तरह का क्या है, लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज बेसिकली वही है कि एक सिस्टम है जिससे जो चैनल वो आप कुछ कुछ वैल्यू दे देता है, मीनिंग दे देता है कि यानी कि कृष्णा है ना, हाँ ठीक है, यानी अब से BAT क्या होगा, बैट होगा। बैट एक और तरह का होता है, क्या होता है बैट, बारूदी है ना। वैसे SUN सन है, सूरज, हिंदी में सूर्य लिख देगा तो। और बात क्या है कि अब जब तक इंग्लिश जो भी बोलने वाले हैं उनके लिए सबके लिए बैट अगर लिखेगा तो क्या आना चाहिए दिमाग में, बैट या भादुड़ी है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को तुम हरि बोलेगा कि नहीं बैट अब से बॉल को बोलता है, समझ रहे हैं। अरे एक और एग्जांपल, ये क्या है, हैंड, इसको फुट भी बोल सकता था कोई, इसमें कुछ स्टैंप तो नहीं लगाया ना कि हैंड ही है, HAND लिखा हुआ इसमें, फुट भी हो सकता था और ये हैंड हो सकता था, HAND है ना, हो सकता है ना, कुछ इंट्रिंसिक अलग से मतलब तो नहीं जुड़ा हुआ है, HAND यही होगा है ना, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो वही अब कल को लेकिन अगर मैं हैंड को फुट बोलने लगे तो क्या होगा, एक दूसरे को नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए हैंड ही बोलना पड़ेगा, जो सिस्टम है उसको फॉलो चलना पड़ेगा उस सिस्टम पे, है ना। तो इसका ये सब मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, बेसिकली कि कोई भी चीज जिसको आप क्या इसको बुक बोलते हैं, हो सकता है इसको जिस जब लैंग्वेज बन गई थी हजारों साल पहले, हम सब ने बनाया है लैंग्वेज को, तो इसका कुछ और नाम भी हो सकता था। बुक को अगर मान लो हम कुछ बोलते क्या बोलते हैं, हाँ ड्रेस बोलते, जब लैंग्वेज बन रहा था सब लोगों ने इसको ड्रेस बोलना शुरू किया, तो अभी क्या बोलते हैं इसको, हम भी ड्रेस बोलता, बुक नहीं बोलता ना, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि BOOK है या फिर किताब है। ये उड़िया में क्या किताब बोलता है, वही हाँ, तो इसमें कुछ लिखा हुआ इसके साथ वो ही कहीं जुड़ा हुआ है, ये बस एक चीज है, नाउन है ना, नाउन संज्ञा है, बस एक चीज है, उसको आप अलग अलग भाषा में अलग अलग सिग्नल के थ्रू मानते हैं, है ना। इंग्लिश में बुक का सिग्नल है, बुक साउंड, या तो साउंड बुक या फिर लिखा हुआ BOOK, वैसे ही उड़िया में बोही लिख के भी है ना, और साइन लैंग्वेज में यानी ऐसे आप इशारा कर सकता है ना, ऐसे करेगा बुक समझ जाएगा तो ठीक है। तो लैंग्वेज है बस एक बेसिकली साइंस का सिस्टम है जिनके हिसाब से हर साइन के साथ कुछ चीज का मीनिंग जुड़ा है और उसके थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे आप लोग शर्मा ने आपको ये सब पढ़ाई है, नाउन एडजेक्टिव है ना, तो ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक सिग्नल है शब्दों का कॉम्बिनेशन, लेटर्स का। इंग्लिश में कितना लेटर्स है, ABC 26, जितना भी इंग्लिश में शब्द है सब क्या है, इन्हीं लेटर्स को अलग अलग सीक्वेंस में जोड़ के बनाया गया है ना, है ना, इससे करोड़ों शब्द बन जाता है। A को यहाँ रखा, B को यहाँ रखा, T यहाँ लगा दिया, कुछ कुछ बहुत सारे शब्द बन जाता है। यही लैंग्वेज सिस्टम है, इतना लेटर्स से आप जोड़ के कुछ भी सिग्नल बना सकता है। आप जैसे सिग्नल बनाया क्या, बुक BOOK, तो उसके साथ आपने एक चीज जोड़ दिया, वैसे वर्ब क्या होता है, एक्शन, स्टडी, तो स्टडी जब बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है, ऐसे खोल के कुछ किताब पढ़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं ना, तो यही लैंग्वेज। थोड़ा और क्लियर है ये क्या बोल रहा हूं मैं, सबको ठीक है। अच्छा एक वो उसके बाद अब हाँ लैंग्वेज का जब हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज शुरू कैसे हुआ है, शुरू कैसे हुआ होगा, अभी जैसे आप लोगों को इतने हजारों साल से एक सेट डिक्शनरी है, सब कुछ है, ग्रामर है, आपको पता है कि क्या, जैसे कोई एठे राहुल गांधी असिले, आपको पता है कि असिले राहुल गांधी एठे नहीं होगा है ना, एठे राहुल गांधी असिले ही बोले हुए है ना, तो वो क्या ग्रामर है। इंग्लिश में भी जैसे होता है दिस इज अ बैट, बैट दिस इज नहीं बोलेगा है ना, बोल सकता है, अगर मैं बोल रहा हूँ बैट दिस इज, मीनिंग तो समझ जाएगा ना।
कि बैट दिस इज समझ जाएगा, लेकिन ग्रामर जो प्रॉपर जो यूज है दिस इज अ बैट वो सही है ना, मीनिंग तो समझ रहा है। तो ये सब जो सिस्टम बना है धीरे धीरे, पहले सोचो यानी वर्ड्स भी बना होगा, अभी तो हमारे पास सब वर्ड्स है। शुरुआत में जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, जब डिसाइड हो रहा था कि इसको क्या बोलेगा, बुक बोलेगा कि ड्रेस बोलेगा क्या बोलेगा, तो ये सब इससे भी पहले ये वर्ड ये सब का थोड़ा हम सोचने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान शुरू कैसे किया लैंग्वेज, साउंड बनाना कैसे शुरू किया होगा, क्या लगता है आपको, आवाजें कैसे निकालता होगा शुरुआत में, क्यों उसको क्या बोलेगा दरकार हुआ कि वो ऐसे आवाजें निकालने लग जाए, लैंग्वेज बनाए क्यों, हाँ क्या दरकार था टाइम की, लैंग्वेज के बिना क्या नहीं होता, लैंग्वेज क्यों जरूरी है, हाँ और तो पहले तो जैसे कुछ मानना है साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कि आदमी साउंड्स कैसे करने लग गया, जो आसपास जानवर थे जब हम पहले के जमाने में रहे, जब लैंग्वेज में कुछ नहीं था तो क्या है जानवर आवाज करते हैं, जंगल में गए ना जंगल में कैसे कैसे खूब आवाजें होता है, तो उन्हीं के दूसरे जैसे अगर बंदर साउंड बना रहा है कुछ कर रहा है उसी के चलते हम उसको कॉपी करने लग गए, और धीरे धीरे क्या हुआ जैसे ऊ साउंड किया है तो उसके साथ कुछ मीनिंग जोड़ दिया, क्या हो रहा है जैसे साइन, अभी साइन आपका बैट है यानी खाने को क्या बोलता है फूड बोलता है ना, ठीक है, तो हुआ क्या है बेसिकली फूड जो है F O O D को आपने क्या मीनिंग दे दिया है, खाना जो आप खाते हैं है ना, तो वैसे ही मान लो उस समय साइन क्या है फूड के कुछ भी आवाज जैसे या ये साउंड है, तो साइन ये उससे लोग समझ जाएगा, जैसे अगर मैं हम लोग वहां जंगल में बैठे मैं तो बोलता हूँ ऊ कि यानी क्या है क्या बोल रहा हूँ मैं, खाना वहां पर है ना, तो लैंग्वेज का शायद शुरुआत ऐसे हुआ है, ठीक है, और आप इतने हजारों साल से हमारे पास पूरा ग्रामर बन गया, अलग अलग लैंग्वेज बहुत सारा लैंग्वेज है दुनिया में पता है ना, हमारे देश में भी बहुत सारा लैंग्वेज है, यानी बहुत हर स्टेट में अलग लैंग्वेज है और हर स्टेट में भी एक लैंग्वेज का, जो उड़ीसा में क्या लैंग्वेज बोलता है, असुड़िया बोलता है नहीं, जो उड़िया जो बोलता है वो, हाँ हर जैसे तुम्हारा एक कभी कभार ऐसा भी होता है एक गांव इधर है दूसरा गांव इधर है दोनों उड़िया या सोरा बोल रहे हैं लेकिन उनका बिल्कुल अलग होगा, होता है ऐसा देखा है कभी, हाँ है ना, तो ये सब भी बहुत सिंपल है, उड़िया नाम का कोई एक वो चीज नहीं है स्टैंडर्ड की, एक ही वो है ना, एक उसका ठीक है ग्रामर बना दिया है, लेकिन जो गाँव में जो बोल रहे हैं वो उड़िया नहीं है क्या, अलग है ना, शायद जो आप उड़िया किताब में पढ़ता है और जो बोलता है अलग है ना, है ना, वैसे हिंदी के साथ भी जिस तरह का मैं हिंदी बोलता हूँ वो आप हिंदी किताब में नहीं पढ़ोगे, और जिस तरह का किताब में हिंदी पढ़ते हो जिसमें किंतु परंतु बहुत ऐसे बड़ा बड़ा शब्द होता है ऐसे आप सुनोगे नहीं किसी को हिंदी में बात करते है ना, तो बहुत सारा लैंग्वेज है इसके ज्यादा नहीं घुसते ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसी में आगे चलते हैं, ठीक है, एक कहानी है, हाँ तो ओरल, तो पहले आवाज से हम शुरू किया, ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज का स्टेप क्या हुआ रिटन, जब हम लिखने लग गया, क्योंकि ओरल में क्या है अभी जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ या फिर अभी हम लोग सब जिंदा है हमने आपस में बात किया खाना यहाँ है ये सब यहाँ है बात करके, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे या फिर क्या है अभी बात किया भूल गए बाद में खत्म, राइटिंग से क्या हो गया, हाँ रिकॉर्ड रखने लग गया, और किताब नहीं किताब से पहले जैसे क्या है केव्स गुफाओं में पेंटिंग ये सब लोग करता था है ना, पुराने उसमें जैसे आप कई हजारों करोड़ों नहीं अराउंड 10-20 हजार साल पहले भी गुफाएं मिली है दुनिया में जहाँ पे लोग अपना कुछ कुछ सन बनाता था या फिर कुछ गाय बनाता था अंटी का सीन बनाता था ये सब, तो ये आर्ट में हम और बात करें, लेकिन ब्रिटेन में क्या हो गया रिकॉर्ड रख सकता है, आज अगर मैं चीज कुछ लिख रहा हूँ वो अगर उसको कहीं पे ये किताब जिसमें मैंने इतना कुछ लिखा है ठीक है ये डायरी ये सब अगर कहीं पे पड़ा रहे एक बॉक्स में तो हजार साल बाद भी कोई इसको
देख के पढ़ सकता है और उसको पता लगेगा कि इस समय में क्या हो रहा था ना। वैसे जितना भी हमारा जो हिस्ट्री है, जो हम अलेक्जेंडर का बात करता है, कोई भी जो राजा पुराने फिलोसोफर प्लेटो ये सब का बात करता है, वो सब हमको कैसे पता है? किताबों की वजह से, क्योंकि वो लोग लैंग्वेज को रिकॉर्ड में रिटन लिखने लग गए थे। ठीक है, तो ये फायदा था। उसके बाद एक और क्या हुआ था चीज, प्रिंटिंग, धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस बन गया ना यूरोप में। पता कर रहा हूँ कुछ 500-600 साल पहले गुटेनबर्ग आदमी, तो वहां से फिर क्या हो गया, पहले तो रिकॉर्ड आप लिख रहे हैं। अब इस किताब को मैं एक बार ही खुद ही एक ही बार लिखूंगा ना, सेम 10 बार नहीं लिखूंगा। लेकिन अब इसी चीज को अगर एकदम से एक दिन में हम लोग 100 कॉपी बना देता है तो और भी लोगों के पास पहुंच जाएगा ना। तो इससे बस यानी लैंग्वेज आगे आगे कैसे बढ़ रही है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। एक अपने ये कई लैंग्वेजेस है, जैसे जो मदर को क्या बोलते हैं उड़िया में, हाँ हिंदी में भी माँ माता ये सब बोलता है, फ्रेंच में फ्रेंच में क्या होता है मामा मेयर मम्मी मादर, स्पैनिश माद्रे। तो ये सिर्फ आप देखेंगे कि बहुत सारा लैंग्वेजेस, दुनिया के लैंग्वेजेस में कुछ कुछ शब्द बहुत एक जैसा है। ये क्यों हो रहा है? जो छोटा बच्चा जब आप लोग बचपन में शुरुआत में लैंग्वेज सीख रहे थे तो सबसे आसान शब्द क्या होता है, लेटर्स बनाना, आवाज म, म, आ, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अब जैसे अगर कुछ पी ये सब बोलना है, पी बोलना है तो पी थोड़ा धीरे धीरे आता है ना, माँ बा बहुत आसान होता है। तो इसका बस ये रीजन है। ठीक है, और ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या होता है, ग्रामर जो शर्मानी तुम लोगों को सिखा रही है, ग्रामर क्या है, व्याकरण, जिससे आपको बताता है कि लैंग्वेज कैसे है। अच्छा, अब इस ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों पे आते हैं कि इंग्लिश उड़िया हिंदी ये सब हम बात कर रहा है, सबसे अच्छा लैंग्वेज कौन सा है इसमें से? हाँ, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, क्यों? हिंदी किस किसने बोला, हिंदी कौन बोला था? जो उड़िया में बात करते हैं उनके लिए उड़िया तो ज्यादा लोग किस में बात करते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे फिर क्यों, इससे इससे क्या होता है, अगर वर्ल्ड में ज्यादा लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर दुनिया में 7 बिलियन लोग है, उसमें से 2 बिलियन लोग, और सर वो लोग दो तलाक वर्ड रिकॉर्ड हो ना, मतलब हां इंग्लिश उड़िया हिंदी इन तीनों के बीच में सबसे अच्छा लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश, हिंदी और उड़िया, उड़िया इंग्लिश का सर, इंग्लिश का, इंग्लिश क्यों? क्योंकि वो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो इंग्लिश कुछ ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है उड़िया से? नहीं, क्योंकि लैंग्वेज क्या, हमने बात किया क्या बोला था, लैंग्वेज क्या होता है, क्या होता है लैंग्वेज का काम क्या है, हाँ समझने का एक दूसरे को, है ना। तो ऐसा लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि उड़िया कम है या फिर हिंदी महान है ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ बैठ के हिंदी और इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, बात इस पे आ जाता है। जैसे कि आपने बोला कि ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर आप जैसे पहले उड़िया से भी अलग अलग, जैसे सौरा है कुई है, तो जैसे मान लो अगर कोई सौरा है या कुई है यहाँ पे, तो अपना गांव में आप लोग सौरा में बात करेंगे चल जाएगा ना, इतना सा गांव है यहाँ पे, आप बात करते हैं आसपास के,
तो यहाँ पे आपको 16 से काम चल जाए तो और कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। अब उड़िया सीखना है, उड़ीसा स्टेट मान लो ये है, ठीक है। अब उड़िया सीख लिया तो क्या है, इस स्टेट में और थोड़ा शायद बाहर बाहर भी इधर इधर तुम लोगों से बात कर सकता है ना उड़िया। अब क्या हिंदी का क्या हो गया, इंडिया में थोड़ा है, नहीं पूरा इंडिया में भी नहीं बोलता है वैसे हिंदी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बोलता है ज्यादा, साउथ में भी नहीं बोलता है, लेकिन नॉर्थ ये सब में आप लोग अब क्या है हिंदी में अगर आता है तो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ज्यादा लोगों तक अपना काम कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर तुम आइडियाज दे रहे हैं तो पहुंचा सकता है, अगर कुछ बिजनेसमैन है तो यहाँ से जाकर उड़ीसा से निकलकर तो बाहर भी बिजनेस कर सकता है, काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, ठीक है। और फाइनली इंग्लिश का क्या है, वर्ल्ड, अब अगेन पूरा वर्ल्ड नहीं, लैटिन जो साउथ अमेरिका है वहां पे स्पेनिश चलता है, ठीक है, और रशिया में रशियन बोलता है, चाइनीज चाइना में चाइनीज मैंड्रिन ये सब बोलता है, लेकिन बाकी अगर कोई भी आप लैंग्वेज देखिए तो इंग्लिश सबसे ज्यादा दुनिया में लोग बोलता है। तो इसीलिए इंग्लिश का वैल्यू है। आप लोग क्यों सीख रहे हैं इंग्लिश यहाँ पे, ताकि आप वर्ल्ड के आइडियाज ले सके और हो सके जब आप लोग बड़े हो जाए अपना भी आप वर्ल्ड को वापस ले सके। क्योंकि अभी क्या है, अगर आपको बस मान लो 16 आती है, 16 में कितनी किताबें लिखी है लोगों ने, ज्यादा नहीं, अगर लिखी भी है तो बहुत कम होगी, तो कम आइडियाज आ रहा है। उड़िया सीख लिया तो क्या है, काफी कुछ आप पढ़ सकते हैं, न्यूज ये सब आ सकता है, हिंदी पढ़ेगा थोड़ा और, लेकिन इंग्लिश करेगा तो आप पूरा वर्ल्ड न्यूज ये सब वर्ल्ड के आइडियाज इतनी किताबें जो लिखे वो सब आपको मिल सकता है, उसका नॉलेज है ना। और वैसे आप वर्ल्ड में जाके कहीं पे भी काम कर सकता है, अगर आपके पास पैसा है, आप टिकट लेके कहीं जा रहे हैं, इंग्लिश अगर आपको पता है तो आप ज्यादातर देशों में आप कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश सीखने का फायदा है। इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश में आप कुछ बात ज्यादा अच्छे से बोल सकते हो, जैसे अगर दिस इज अ बॉटल, उड़िया में क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कुछ इंग्लिश ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं बता रहा है इसके बारे में, कुछ बता रहे क्या एक्स्ट्रा की ये बॉटल ऐसा है ये नहीं, हिंदी भी वही बता रहे, इंग्लिश भी वही बता रहा है, बस बात यह है कि इस चीज की वजह से आप इंग्लिश सीखना चाहिए हमको, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं उड़ीसा उड़िया कम लैंग्वेज है हिंदी कम लैंग्वेज, बस इसकी वजह से हम, क्योंकि ज्यादा लोग बोलता है ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ज्यादा लोगों का आइडियाज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वही ये जो एक काफी प्रॉब्लम आता है जैसे हमारे देश में कि हम लोग इंग्लिश को बहुत एक बड़ा चीज बना के रख दिया है कि इंग्लिश नहीं आता है तो कम है या फिर ऐसा कुछ है ना। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस एक लैंग्वेज है, बस एक टूल है। टूल मतलब क्या, जिससे आप कुछ अपना काम करते हैं, है ना। जैसे टूल क्या होता है, हथौड़ा होता है, हथौड़ा हैमर से क्या काम करता है, कुछ तोड़ देता है। लैंग्वेज भी टूल है, लैंग्वेज से क्या काम करता है, समझता है और समझाता है ना। तो बस एक टूल है, उससे ज्यादा लैंग्वेज को कुछ ज्यादा वो नहीं समझना कि इंग्लिश नहीं आती है तो कम है, सीखो बस। और सीखेगा कैसे, प्रैक्टिस से। जितना आप लोग बोलोगे, जितना डिक्शनरी देखोगे, जितना आप किताबें पढ़ोगे, अपने आप लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस से कुछ उसमें कम हो ये सब का बात नहीं है। अब लास्ट एक दो पॉइंट है कि ये सब क्यों हो गया, इंग्लिश इतना लोग क्यों बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के क्यों सीख रहे हैं इंग्लिश, ये सब कैसे हुआ, इंग्लैंड में बैठ के हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, ब्रिटिश यहाँ पे रूल किया था ना, ब्रिटिश लोग आए थे यहाँ पे तो क्या हुआ, जैसे अगर मैं राजा हूँ, मैं आपके देश में अटैक करता हूँ, आपके देश में घुस गया हूँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मुझे आपसे काम करवाना है, आपसे पैसा लेना है। तो अब अगर मैं राजा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपना आपका लैंग्वेज सीखूंगा या आपको बोलूंगा मेरा लैंग्वेज सीखो, मैं बोलूंगा कि इंग्लिश में मैं बात करता हूँ तुम इंग्लिश सीखो, है ना। तो यही चीज हुआ धीरे धीरे। और इंग्लैंड का क्या, हमने एक बात किया था पहले, कोलोनियलिज्म, हाँ कोलोनियलिज्म यानी बेसिकली अराउंड 1400-1500 साल में एडी यूरोप में, यूरोप जो है
बहुत सारे देशों के पास बहुत सारा पैसा आ गया था, शिप नेवी आ गई थी और गन पाउडर ये सब आ गया था, गन स्टोव ये सब आ गया था। तो इसके चलते क्या हुआ, अब यूरोप कहाँ यहाँ कहीं है, इंडिया यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है ना, यूरोप यहाँ है, रशिया, ये सब एशिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हर जगह ये लोग शिप्स में निकलने लग गए, ठीक है। अब ऐसे चलते चलते क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो कहाँ, इंडिया पहुंच गए ना, इंडिया में राज करने लग गए धीरे धीरे, क्योंकि अब गन्स है, सब कुछ है, पावर है उनके पास, बड़ा बड़ा शिप्स है। वैसे ही अमेरिका में पहुंच गया, फ्रेंच टू फ्रांस के काफी लोग अफ्रीका गए, स्पेन वाला लोग साउथ अमेरिका ले गया। तो इससे साउथ अमेरिका में अभी तक लोग किसमें बात करता है, स्पेनिश है ना। वैसे ही अफ्रीका में कई देशों में आपको लोग मिलेगा जो फ्रेंच में बात करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रांस का लोग उन पर राज किया था। वैसे ही इंडिया में ब्रिटिशर्स लोग पहुंच गया था। वैसे ही गोवा, गोवा जब गया ना, गोवा, गोवा में पोर्चुगीज लोग आया था, पोर्टुगल का, तो वहां पे उस तरह का कल्चर है। लेकिन मेनली भारत ने कौन राज किया था 200 साल, 1857 से लेकर 1947, तो ऑलमोस्ट 100-200 साल कौन राज किया था, ब्रिटिश। तो इसलिए हम इंग्लिश बोलते हैं, हमारा काम इंग्लिश में होता है, हम लोग इंग्लिश में, जैसे एक स्टेट का जो तमिल, तमिलनाडु का कोई यहाँ पर आदमी आता है उसको हिंदी भी नहीं आता है, तो आप लोग कैसे बात करोगे इंग्लिश में। आजकल जैसे ये जो आप लोग मिले क्या, जो स्विट्जरलैंड स्कूल से दो लड़के आए हैं, हाँ, उन लोगों से आप कैसे बात करेगा, इंग्लिश है ना। वो लड़कियां भी जैसे उसमें से एक लड़की वो इंग्लैंड की नहीं, वो ब्राजील की है, उसका असल में लैंग्वेज जैसे आप लोगों का लैंग्वेज क्या, ओडिया है या हिंदी बोलेगा, उसका लैंग्वेज है पोर्चुगीज, लेकिन उसने भी इंग्लिश सीखा है, क्यों, ताकि वो अगर दुनिया में, अगर आप यहाँ नए देश में आए तो वो इंग्लिश में लोगों से बात कर सके, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश का इस जमाने में यही इंपॉर्टेंस हो गया कि अगर आपको पैसा कमाना है या फिर अच्छा जॉब चाहिए, लोगों से आप ज्यादा अपना दुनिया में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उसके लिए आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस हो गया है, क्योंकि ज्यादातर सब काम आपने देखा इंटरनेट में भी ज्यादातर क्या लैंग्वेज यूज होता है, इंग्लिश, हर चीज में कंप्यूटर्स में इंग्लिश होता है, तो इसलिए इंग्लिश जरूरी है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं इंग्लिश इनहेरेंटली कुछ अच्छा लैंग्वेज है ना, दिस इज अ बॉटल, ये बॉटल है, ये गोटे बॉटल, सेम चीज, लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग बोलते हैं इसलिए इंग्लिश सीखने का फायदा है, ठीक है। लास्ट हम एक हिंदी का बात कर रहे हैं, हिंदी क्या है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो वही ये कि बहुत बड़ी गलतफहमी, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे कानून में जो संविधान है उसके हिसाब से हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ऑफिशियल और राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल, इंडिया में नेशनल लैंग्वेज नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है, ये गलत फहमी है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, लोग मानते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि इंडियन सरकार के जितने भी काम होते हैं, फाइल होता है, कुछ भी काम होता है, रिपोर्ट बनता है, कोर्ट में काम होता है, पुलिस में काम होता है, वो सब या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ठीक है। बाकी अपने स्टेट में जैसे उड़िया के, उड़िया स्टेट में, उड़िया में भी काम होगा, लेकिन बाहर कहीं अगर जैसे उड़िया गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम करना है तो वो उड़िया या पंजाबी में काम नहीं करेंगे, वो लोग किस में काम करेंगे, हिंदी या इंग्लिश में, ये मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज का। इसके अलावा हमारे देश में कुछ 21 या 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, जिन लैंग्वेजेस को मान्यता है, उसमें से उड़िया भी एक है, जैसे नोट में देखा होगा ना, हाँ लिखा होता है सारा लैंग्वेज है ना, ये कभी देखना, ठीक है, नोट में, हर नोट में होता है, ये हमारे कानून के हिसाब से इंडिया की जो मान्य लैंग्वेजेस है, लेकिन ये कुछ नहीं, इस इंडिया में इससे भी 100,000 लैंग्वेजेस और है, एक एक छोटे रीजन में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बस लेबल दे दिया है, उड़िया, उड़िया के अंदर ही कितना सारा लैंग्वेज रहता है, एक गाँव का लैंग्वेज अलग है, एक गाँव का थोड़ा अलग है, कभी कभार एक दूसरे को समझ भी नहीं पाता है ना। तो ये बेसिकली आप लोगों क्यों लगता है राष्ट्रभाषा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स हो गया था 1947 में, क्या होता जब ब्रिटिश लोग चला गया था, तो क्या हुआ था,
इंडिया फ्रीडम हो गया इंडिपेंडेंस और क्या होता है साथ में एक और देश को इंडिपेंडेंस मिला था पाकिस्तान तो जो चीज पहले एक अगर इतना बड़ा था पार्ट जिसको इंडिया मानते थे क्या वो इतना पार्ट पाकिस्तान बन गया है ना और इंडिया और पाकिस्तान में मेजर डिफरेंस क्या है अंतर क्या है इंडिया में ओनली हिंदू है पाकिस्तान ओनली हिंदू तो नहीं है हिंदू ज्यादा है हिंदू मेजोरिटी है ठीक है हिंदू ज्यादा है यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम ज्यादा है तो क्या हुआ ज्यादातर जो यहाँ का हिंदू लोग इधर आ गया यहाँ का पाकिस्तान मुस्लिम लोग पाकिस्तान चला गया ठीक है बहुत सिंपल चीज थी लेकिन इसी के चलते अब क्योंकि इतना डिफरेंस है हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना जो चीज हुआ है उसमें बहुत सारा रोल पॉलिटिक्स का था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था यहाँ का कौन था जिन्ना और जिस तरह से आप लोगों को लगता है ना कि पाकिस्तान बहुत खराब है न्यूज में हमेशा आते रहता है वैसे ही पाकिस्तान के न्यूज में भी यही बोलते रहते हैं कि इंडिया अच्छा है कि इंडिया का ये है इंडिया में तो कभी कभार मैं यही बोल रहा हूँ ये सब पॉलिटिक्स बहुत जुड़ा हुआ है इन चीजों से इतना आपको सिंपली अपना दिमाग पाकिस्तान में भी हमारे जैसे बच्चे आपके जैसे लोग हैं ठीक है हमेशा वो लोग ऐसे नहीं बैठता है कि इंडिया के साथ लड़ाई करें लेकिन ये सब चीजें मीडिया बढ़ाता है पॉलिटिक्स बढ़ाता है ठीक है सब वहां पे भी इंसान ही हमारे जैसा ऐसा नहीं है कि वहां पे हर कोई टेररिस्ट है यहाँ पे भी इंडिया में बहुत सारा क्रिमिनल्स है टेररिस्ट है इसका ये मतलब तो नहीं है पूरे देश का सभी लोग वैसा है ना सर पाकिस्तान का मदर लैंग्वेज उर्दू तो उसी पे मैं आने वाला था तो उनका लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू और हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश तो हमने इसलिए इंग्लिश हमने क्यों लिया इंग्लिश हमने लिया ताकि इंटरनेशनल और आसपास एक स्टेट दूसरा स्टेट बात कर सके है ना तमिल लोग पंजाबी से बात कर सके ये सब बात करें लेकिन उर्दू हिंदी में क्या डिफरेंस है बहुत कम एक जैसा लैंग्वेज है सब दोनों का रूट एकदम एक सेम है जो मैं बोल रहा हूँ वो उर्दू भी है एक तरह से जवाब कुर्सी मेज ये सब बहुत सारे जो हिंदी के शब्द हैं वो उर्दू बेसिकली क्या है अगर एक लैंग्वेज भी मान लो पहले जिसका नाम एच हो तो उसको कई अंतर की वजह से दो में बन गया उर्दू और हिंदी ठीक है हिंदी में क्या हुआ ज्यादा आप संस्कृत डालने लग गए और उर्दू में ज्यादा फारसी पर्शियन अरबी अरबी है ना और इसके चलते चलते धीरे धीरे दो बिल्कुल अलग लैंग्वेज बन गए लेकिन अभी भी सेम ही है प्रेमचंद का नाम सुना है या प्रेमचंद हाँ किस लैंग्वेज में लिखते थे उर्दू है ना लेकिन उनको ज्यादातर हम लोग हमेशा हिंदी के नाम से बोलते हैं कि हिंदी राइटर वो असल में उर्दू में लिखते थे ये गलती क्यों रही क्योंकि उर्दू हिंदी सेम है ज्यादातर जो आप हिंदी का गाने भी सुनते हैं बॉलीवुड में पुराने खासकर फिल्म का गाना सुनोगे वो हिंदी से ज्यादा उर्दू शब्द इस्तेमाल करता है ठीक है तो लैंग्वेज सेम था लेकिन क्या इंडिया में कुछ लोग उर्दू बोल रहे हैं हां बहुत लोग उर्दू बोलते हैं हम लोग भी जो अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ प्योर हिंदी नहीं है वो उर्दू मिली हुई है उसमें बहुत जवाब देना ये सब देना बहुत शब्द उर्दू का है यानी हिंदी जो प्योर हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं वो बस आपको किताबों में पढ़ने को मिलती है ज्यादातर जो भी चाहे आप दिल्ली जाओ पंजाब जाओ जो भी आज लोग जो बोल के बात करता है वो ज्यादातर उर्दू में ही बात करता है यानी हिंदी उर्दू मिक्स में बात करता है ठीक है तो हाँ इसमें बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लैंग्वेज ये सब के साथ में बहुत आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स जुड़ा होता है बहुत सिंपल नहीं है ठीक है ये उर्दू कैसे एक लैंग्वेज उर्दू हिंदी बन जाती है उर्दू को हम मुस्लिम लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं हिंदी को हम हिंदू लैंग्वेज बोल रहे हैं जो हिंदी आप लैंग्वेज बोलते हो उर्दू जो लैंग्वेज है या फिर हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें कुछ हिंदू का कुछ जुड़ा हुआ है क्या ऐसा ऐसा है क्या कि जो पंडित जो अगर धागा डालता है वही हिंदी बोल सकता है कोई भी बोल सकता है ना लेकिन वही क्यों हो रहा है ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं इसको उर्दू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदी हिंदू इंडिया तो ये सब चीजें हमको बार बार जो है कि सवाल उठाना है ठीक है बहुत सिंपल है बेसिकली बात क्या होता है कि राष्ट्रभाषा नहीं है ठीक है इंडिया में राष्ट्रभाषा है ही नहीं ठीक है चलो